इसलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग में फिश कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा एस लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फिश का मुंह और ये हो गया फिश का आंख। ठीक है, अब यहाँ डिजाइन डाल देंगे, यहाँ भी एक डिजाइन बना देंगे। ठीक है, अब इसके स्केल्स बना देंगे। आप चाहे तो बड़े बड़े स्केल्स भी बना सकते हैं या छोटे छोटे, मैं मीडियम साइज बना रही हूँ। छोटे छोटे बनाने से ये ज़्यादा डिटेलिंग लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और इसकी जो टेल है उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ भी बनाएंगे। ये मछली मेरी थोड़ी सी मोटी बन गई है, आप चाहे तो आराम से इसे बिल्कुल नीचे वाली मछली की तरह बना सकते हैं, थोड़ी सी मोटी हो गई है। इसके भी स्केल्स बना देंगे। अब इसमें भी कचनी कर देंगे। सो ये बन गया सुंदर सा फिश। ये थोड़ी सी मोटी हो गई है, आप चाहे तो बिल्कुल इसकी तरह बना सकते हैं। आपको पहले पेंसिल से ट्राई करना होगा जिसकी वजह से वो गड़बड़ ना हो। ठीक है,